नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। दो पहिया और फोर व्हीलर गाड़ियों के बीमा नियम बदल जाएंगे। अगर आपके पास कार या दो पहिया वाहन है तो 1 सितंबर से बीमा नियमों में बदलाव के लिए तैयार रहिए। नए नियम के तहत दो पहिया वाहन या कार पर साधारण बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को खास सुविधा देगी। साधारण बीमा कंपनी आप वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। इस संबंध में बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनी को आदेश देते हुए 1 सितंबर से लागू करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। अब योनो ऐप से बिना एटीएम कार्ड भी निकल सकेंगे कैश। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है। अगर ग्राहक अपना एटीएम कार्ड किसी वजह से घर पर भूल जाते हैं तो बिना टेंशन कैश निकाल सकते हैं। एसबीआई के योनो ऐप योनो कैश नाम से एक सुविधा दी जाती है। इसके तहत ग्राहक बिना कार्ड इस्तेमाल के एसबीआई के योनो कैश एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके फोन में एसबीआई के योनो ऐप का इंस्टॉल होना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर एक फॉर्म में देना होगा ब्याज से आमदनी का अलग अलग ब्यौरा। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करते हुए आपको आईटीआर एक फॉर्म में ब्याज से आमदनी पर टैक्स छूट के गलत दावों को कठिन बनाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गड़बड़ी को आसान से पकड़ सकेगा। पहले आईटीआर फॉर्म में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल ब्याज की घोषणा करनी होती थी, जिसमें एफडी आदि से प्राप्त ब्याज भी शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। अब कारोबार में राहत मिलने वाली है, क्योंकि आधार कार्ड से हो सकेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई सरकार बनने के बाद अपनी पहली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक की। इस बैठक के जरिए कारोबारियों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। कारोबारियों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कागजी कार्रवाई से राहत देते हुए जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाया है। पहले की व्यवस्था में लोगों को विभिन्न दस्तावेज देने होते थे, अब आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आधार का इस्तेमाल करने से कई फायदे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। बीएमसी की मदद से अब बेस्ट बस फिर से बनेगी मुंबई की दूसरी लाइफलाइन। शहर की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट परिवहनों को संजीवनी मिली है। ज्यादा बस से ज्यादा यात्री और कम किराया के सूत्र से आर्थिक संकट से जूझे रही बेस्ट को उबारने की कवायद चल रही है। अब नए मनपा कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने बेस्ट को संकट से उबारने का रोड मैप दिया है। 5 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 5 रुपए तक किराया, छोटे रूट पर वातावरणीय खुले बस चलाने की योजना से यात्रियों को दोबारा आकर्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। किसान क्रेडिट कार्ड पर जल्द ही मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। सरकार खेती में उत्पादन को बेहतरीन करने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। आने वाले सालों में सरकार की कोशिश 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की है। पार्टी के एक दूसरे वादे की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही गई है। उम्मीद है कि 5 जुलाई को आम बजट में इस पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।